जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। कल शाम को बीती रात के डीसी जम्मू अंशुल गर्ग की अगर बात करें, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसके बाद तमाम व्यापारियों को जो है रात की सांस मिलेगी, क्योंकि आज से अगर बात करें तो जो दुकानें दो दिन के लिए खोली जा रही थी अब उनको भी प्रॉपर टाइम जो है वो दिया जाएगा और तीन तीन दिन के लिए दुकानें जो हैं वो खोली जाएंगी। ये जानकारी देर रात को मैंने अब तक पहुँचा दी थी, लेकिन फिर भी बड़े सारे लोग फ़ोन कर सोशल मीडियाज़ पर और ऑफिस नंबर्स पे कॉल करके जानकारी मुहैया करवा रहे थे कि टाइमिंग्स क्या हैं और कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी। हालांकि कल बहुत बार रिपीट भी कर दिया था, ये दुविधा लोगों को हो रही है। और क्या बॉर्डर्स जो हैं जम्मू के वो सील हैं, क्या ट्रांसपोर्ट जो है वो चलेगा कि बंद है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लोग क्वेरीज कर रहे हैं, जिसके बाद ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि उन लोगों तक जानकारी जो है वो पहुँच जाए। फिलहाल अगर बात करें तो हम देख सकते हैं मार्केट में खड़े हैं और जो दुकानें खुलनी हैं वो दुकानें खुली हैं, और फिलहाल दुकानें बंद रहनी हैं वो दुकानें बंद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेडीमेड गारमेंट शॉप्स हैं जिन्हें कल खोलना है आज बंद रहेंगी, तो वो बंद दुकानें बंद हैं। और दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, जो मिल्क प्रोडक्ट्स की दुकानें हैं वो खुली हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और सामने बाज़ार के अंदर अगर बात करें तो सब्जी मंडी की दुकानें जो हैं रेडी की वो दुकानें खुली हैं। और दूसरी तरफ की दुकानों की बात करें तो फिलहाल रेडीमेड क्लॉथ शॉप्स जो भी दुकानें कल खुलनी हैं वो बंद हैं। और डीसी जम्मू की अगर बात करें, उन्होंने बीती रात के जो ऑर्डर निकाला था उसमें राहत जो है वो होलसेल दुकानों को दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर होलसेल की दुकान है और ये दुकान जो है अब खुलेगी, दिन के हफ्ते के चार दिन खुलेगी और सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक खुलेंगी। ये ऑर्डर के अंदर प्राथमिकता जो है होलसेलर एस्टेब्लिशमेंट जितने भी हैं उनको दी गई है। इसके अलावा टाइम में बड़ी बदलाव किए गए हैं, पहले 5 बजे तक दुकानें खुलनी थी, अब 6 बजे तक इन्हें कर दिया गया है और टाइम जो है 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। ये राहत भरी सांस है, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें जम्मू, तो उनकी बैठक जब डीसी जम्मू अंशुल गर्ग जी के साथ हुई थी वो मेरे सहयोगी ने आप तक पहुँचाई थी, वो वीडियोज़ भी पहुँचाई थी और वो क्या बात रही थी वो भी पहुँचाई थी। लेकिन कल एक बड़ा फैसला लिया गया, तमाम लोग जो थे उनकी शिकायतें ये रह रही थी कि हमें जो है पर्याप्त मौका जो है और अवसर जो है वो नहीं दिए जा रहे। तो डीसी अंशुल गर्ग जो हैं जम्मू की अगर बात करें तो तमाम डीसीज जो हैं वो अपने अपने एरिया में जो है डिसीजन ले रहे हैं, और डीसी जम्मू की अगर बात करें उन्होंने पहले भी जनहित में जो है फैसले लिए हैं। और कल जो फैसला लिया गया है उसमें जो दुकानें आज खुलनी थी जिनके अंदर मेगा मार्ट्स रहते हैं, ग्रॉसरीज रहती हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स रहते हैं, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज शॉप्स रहती हैं, कंप्यूटर शॉप्स रहती हैं, ऑटोमोबाइल शोरूम्स रहेंगे, वर्कशॉप्स रहेंगी, सर्विस स्टेशन, साइकिल शॉप्स, स्पेयर पार्ट्स शॉप्स, टॉय शॉप्स रहेंगी, बार्बर शॉप्स रहेंगी, सलून्स रहेंगे, पार्लर्स रहेंगे, लिक्वर शॉप्स रहेंगी, हार्डवेयर, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल एंड सैंडरी गुड्स स्टोर्स और ग्लास हाउस, ये ऐसी दुकानें हैं जो आज के दिन खुलनी हैं। और अगर बात करें तो समय जो है अब 5 बजे नहीं बल्कि आप 6 बजे तक खोल सकते हैं, ऐसा इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। इसके बाद ये ग्रुप एक की दुकानें हैं, और ग्रुप दूसरे की अगर बात करें उसके अंदर जो मंगलवार और वीरवार को खुलनी है, जो ग्रुप वन है अगर बात करें जो मैंने आपको पहले बता दिया है वो सोमवार को और बुधवार को खुलेंगी, 6 बजे तक खुलेंगी, वो तमाम दुकानें मैंने दिखा दी हैं। अब जो दुकानें बचती हैं उन दुकानों की बात कर लेते हैं, जो ग्रुप दूसरे की आती हैं उसमें कपड़े की दुकानें, रेडीमेड गारमेंट शॉप्स रहेंगी, होम फर्निशिंग आइटम्स रहेंगी, शूज़ एंड चप्पल स्टोर्स रहेंगे, इसके अलावा कॉस्मेटिक शॉप्स रहेंगी, टेलर शॉप्स रहेंगी, बुटीक्स रहेंगी, ज्वेलरी शॉप्स रहेंगी, शोरूम्स रहेंगे, फर्नीचर शोरूम्स रहेंगे, और इसके अलावा बात करें गिफ्ट शॉप्स रहेंगी, डीलिंग विद पूजा आइटम्स जो दुकानें रहती हैं, पाजुरानसिल्स क्रॉकरी स्टोर्स रहेंगे, प्रिंटिंग शॉप्स रहेंगी, फोटोस्टेट शॉप्स रहेंगी। इसके अलावा जो बुक स्टोर्स की दुकानें हैं वो 5 दिन खुलेंगी, सोमवार से शुक्रवार तक वो खुलेंगी, और शनि और एतवार कोई भी दुकान जो है उसे खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन बच्चा शुक्रवार, क्योंकि दो दिन का टाइम हो गया है और शुक्रवार जो बचेगा उसमें तमाम दुकानें जो हैं वो एक साथ खुलेंगी और सुबह 7 बजे से 6 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा सैटरडे संडे जो वीकेंड लॉकडाउन रहेगा उसकी गाइडलाइन अभी नहीं आई है, अगर वीकेंड लॉकडाउन लगता है, क्योंकि अभी तक तो ऑर्डर है कि वीकेंड लॉकडाउन जो है वो रहेगा, उसके दौरान तमाम दुकानें रिटेल शॉप जो रहेंगी वो बंद रहेंगी, ऐसा इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो भी दुकानें होलसेल्स की हैं उन्हें राहत भरी सांस है, और वो दुकानें जो हैं अब खुलेंगी, और खुलेंगी कब, 4 दिन खुलेंगी, सोमवार से शुक्रवार वीरवार तक खुलेंगी, और इसके अलावा टाइम जो है 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहेगा। दूसरी अगर बात करें यातायात से जुड़े हुए काफ़ी सवाल जो थे वो आ रहे थे कि ट्रांसपोर्ट खुलेगा कि बंद रहेगा। जितने भी बॉर्डर हैं जम्मू की अगर बात करें, जम्मू बॉर्डर जो है वो ओपन है, आप किसी भी रास्ते से जो है वो एंटर कर सकते हैं, चाहे मीन्स ऑफ एयरवेज आ रहे हैं, रोडवेज आ रहे हैं, या फिर आप जो है वो ट्रेन के माध्यम से जम्मू के अंदर एंटर कर रहे हैं। लेकिन लखनपुर की अगर बात करें, कुछ लोग पूछ रहे थे कि लखनपुर के अंदर क्या टेस्टिंग जो है वो अनिवार्य है, तो अगर आपके पास RT-PCR टेस्टिंग जो है उसकी रिपोर्ट आपके पास है, 24 घंटे जो है उसका समय दिया गया है, अगर 24 घंटे के अंदर आप बॉर्डर को अंदर आ जाते हैं तो आपको कोई भी इंसान जो है वो आपको तंग नहीं करेगा, आप इजीली एंटर कर जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास RT-PCR टेस्टिंग जो है वो नहीं है, तो उसके अलावा
जो आरटीपीसीआर की टेस्टिंग जो है वो नहीं है, तो आप रैपिड टेस्टिंग से होकर गुजरना पड़ेगा और रिपोर्ट आपको मिलेगी, फिर ही आप जो है एंटर कर सकते हैं। ये इस ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा गया है। और फिलहाल कल भी रात को ऑर्डर मैंने आपको दिखा दिया था, और इस वक्त फिर से मैं आपको एक ऑर्डर दिखाने की प्रयास करता हूँ। और ये ऑर्डर की कॉपी है फिलहाल, लेकिन अभी आप लोगों को दुविधा जो है वो काफ़ी हद तक दूर होगी होगी, क्योंकि सुबह से काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि कौन सी दुकानें खुलनी हैं, कौन सी बंद हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता चुका हूं, और आज ही अगर बात करें तो आज जो दुकानों को खुलने का टाइम दिया गया है, दो दो दिन का टाइम मिलेगा, सारी दुकानें जो हैं वो दो दो दिन खुलेंगी। उसके अलावा शुक्रवार को दिन तमाम दुकानें, रिटेल शॉप जितनी भी ए ग्रुप में हैं, बी ग्रुप में हैं, वो तमाम दुकानें जो हैं वो शुक्रवार को भी खुलेंगी। यानी कि अब तीन तीन दिन का समय मिला है, और तमाम दुकानें जो हैं अब तीन दिन के हिसाब से खुलेंगी। रोस्टर में बदलाव किया गया है, जो तीन दिन दुकानें खोली जा रही थी पहले, अब उन्हें भी दो दिन का टाइम पहले दिया गया है। उसके बाद शुक्रवार को तीसरा दिन तमाम दुकानें जो हैं उन्हें दिया गया है। ये अपडेट था, आप तक पहुँचाना था। वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। आपको क्या लगता है इस फैसले से लॉकडाउन जो है वो ख़त्म होगा? क्योंकि कल की अगर बात करें तो मौतों में जो इजाफा है उसमें गिरावट जो है वो देखी गई है, और केसेस जो हैं उसमें भी गिरावट देखी गई है। डीसी अंशुल गर्ग जी ने अपनी वीडियो ट्वीट में एक मैसेज जो है वो जम्मू वासियों को दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो विलो जो है 5% चला गया है, और इसके अलावा जो डेथ रेट है उसमें भी गिरावट देखी गई है। अगर इसी तरीके के हालात रहेंगे तो बड़ी जल्दी जो है वीकेंड लॉकडाउन जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल अगर बात करें, कल रात को एक ऑर्डर निकाला गया था जिसमें 8 ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जिसके अंदर काफ़ी कम पॉजिटिविटी रेट जो है वो दर्ज किया गया था, जिसके बाद उनको रियायतें जो हैं वो तमाम दुकानों को दी गई थी, और वो दुकानें तीन दिन के बजाय 5 दिन हफ्ते की खुलेंगी, ऐसा उस ऑर्डर में लिखा हुआ था, जिसके अंदर जम्मू की 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और कश्मीर डिवीज़न की 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये तमाम बातें मैंने आपको कल भी जो थी वो साझा कर दी थी, और आज फिर से वीडियो के माध्यम से आप तक जो मैसेज है वो पहुँचा रहा हूँ। बाकी आप वीडियो को जो है वो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के बने रहिए बाहू एक्सप्रेस पर। आज आपको तमाम अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहेंगी, टाइम टाइम से मिलेंगी, और कोशिश करेंगे, आज आपको एक सरप्राइज़ है जो दोपहर तक आपको मिलेगा, और कोशिश करेंगे उस सरप्राइज से आप जुड़े रहें, और बड़ी जल्द आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहू एक्सप्रेस पर। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।